जब भी आप एक पपी को घर लाते हैं तो उसकी हाउस ट्रेनिंग करना सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए पपी को घर लाने से पहले एक प्लान बना लें। कई बार चीजें प्लान के अनुसार नहीं जाएंगी तो कोई बात नहीं, लेकिन पपी को घर लाने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि वो 8 हफ्तों का हो चुका हो। यदि वो अनाथ है या आपने काफी रिसर्च की है तो आप उसे पहले भी घर ला सकते हैं। 8 हफ्ते से छोटे पपी को हाउस ट्रेन करना लगभग असंभव है, तो जब तक कि वो सीखने योग्य नहीं हो जाता आपको उसकी सफाई खुद ही करनी होगी। हाउस ट्रेनिंग के लिए आपको इन चीजों की जरूरत होगी: पपी पी पैड, पपी हार्नेस, एक लीश, दुर्गंध भगाने वाला स्प्रे, एक इंडोर प्ले पेन और सबसे महत्वपूर्ण है आपका पेशेंस। अपने घर में एक जगह निर्धारित कर लें जहां आप पी पैड बिछा सके। जब तक कि वे बाहर जाना ना सीख जाए ये उनके लिए एक ट्रेनिंग होगी। पी पैड को टाइल या सीमेंटेड फ्लोर पर बिछाएं ताकि आपके लिए सफाई करना आसान हो। अगर आप प्ले पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, रात में पी पैड को प्ले पेन के अंदर ही बिछा लें। अपने पपी को पॉटी ट्रेन करने के लिए एक प्लान बनाएं। जो भी लोग पपी की देखभाल कर रहे हैं वो एक एक कर उसे बाहर ले जा सकते हैं। हर 1 घंटे में अपने पपी को बाहर लेकर जाएं ताकि उसे अंदर कुछ करने का मौका ही ना मिले। अब आपके पास एक प्लान है, अब आप अपने पपी को घर ला सकते हैं। पपी को घर के अंदर लाने से पहले उसे लीश पर बाहर एक ऐसी जगह ले जाएं जहां वो पेशाब और पॉटी कर सके। ये ऐसी जगह होनी चाहिए जहां कम ट्रैफिक हो और दूसरे स्ट्रे डॉग ना हो। जितनी शांत जगह होगी उतना ही बेहतर है। आपका पपी कुछ करने को तैयार हो आप उसे कहो जाओ पॉटी करो। फिर जब वो पॉटी कर ले उनकी ढेर सारी प्रशंसा करें और ट्रीट्स दें। अब वो घर के अंदर आने को तैयार है। पहले कुछ महीनों के लिए उन्हें लीश पर ही रखें। ये एक लंबी लीश हो जो जमीन पर घसीट सके। इसे अपने आसपास ही रखें ताकि जरूरत पड़ने पर आप उसे बाहर ले जा सकें। जैसे ही आपका पपी सोकर उठता है उसे बाहर ले जाएं। खाना खाने के बाद भी ऐसा ही दोहराएं। जैसे ही आपका पपी पॉटी करने लगे उसे इंस्ट्रक्ट करें कि जाओ पॉटी करो, और फिर उसके बाद उसकी प्रशंसा करना ना भूलें। अगर आपका पपी फर्श पर चारों ओर सूंघना शुरू कर देता है, स्पेशली जब वो गोल गोल सर्कल्स में घूम रहा है, तो उसे तुरंत बाहर ले जाएं। आमतौर पर इसका मतलब है कि वो पॉटी करना चाहता है। आखिरकार वे सीख जाएगा कि पॉटी करने की जगह बाहर है, घर के अंदर नहीं। जैसे ही उसे बाहर जाने की आदत पड़ जाए आप धीरे धीरे समय का अंतराल बदल सकते हैं। एक एडल्ट डॉग को हर 6 घंटे में बाहर ले जाना चाहिए। रात को अपने पपी को प्ले पेन में रखें, जिसके एक कॉर्नर में उनका बेड और दूसरे कॉर्नर में पी पैड हो। उसके सोने से पहले उसे बाहर वॉक पर लेकर जाएं और उसके सुबह उठते ही यही दोहराएं। कोई भी बदबू मिटाने वाले स्प्रे का इस्तेमाल करें। अगर आपका पपी घर के अंदर कुछ कर देता है तो उसे कभी भी डांटे ना। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि समय समय पर हम उसे बाहर लेकर जाएं। डांटने से वो आपसे छिपना शुरू कर देगा और उसे ट्रेन करना मुश्किल हो जाएगा, और फिर वो घर में ही छुपकर पॉटी करना शुरू कर देगा। 1 से 2 महीने का पपी बिल्कुल एक इंसान के बच्चे की तरह होता है और वो एक ही साथ बहुत सारी चीजें सीख रहा होता है। अगर वो तुरंत नहीं सीख रहा आप परेशान ना हो, बस कोशिश जारी रखें। अपने पपी की हाउस ट्रेनिंग के दौरान आपका अनुभव कैसा रहा हमें कमेंट्स में बताएं।